आप YouTube के साथ साथ हमारा वीडियोस इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एजुकेशनल ऐप अनअकैडमी में भी देखें। वहां हमारे वीडियो के लेसन आ रहे हैं। वहां केमिस्ट्री को सीखने समझने का अच्छा मौका मिलेगा। अनअकैडमी में टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ नोट्स भी होगा, एमसीक्यूज भी होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और उनके सॉल्यूशन भी होगा। अनअकैडमी एजुकेशनल ऐप बहुत ही अच्छा माध्यम है। यहां पर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप में विक्रम हैब केमिस्ट्री को सर्च कीजिए, जिससे मेरे केमिस्ट्री के लेसन मिल जाएंगे। या मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको अनअकैडमी के लिंक दे दिए हैं, उसे क्लिक कीजिए, आपको अनअकैडमी में मेरा लेसन मिल जाएगा। आज देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म्स आता है वर्क, कार्य। मैकेनिकल एनर्जी, या यूं कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि कार्य। कोई घटना फिजिकली हो रही हो तो उस जगह पर उसे हम कार्य कहेंगे। कब कहेंगे कार्य? जब उस पर फोर्स लगाया जा रहा हो और विस्थापन हो, डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऐसा कुछ हो गया ना कि मजेदार बात है, मैं सर पढ़ते रहता हूं, बहुत मेहनत करता हूं सुबह से शाम तक, पर मुझे एक चीज याद नहीं होता है, मैं उसमें एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता हूं। मतलब आपने मेहनत तो किया, फोर्स तो लगाया, ताकत तो लगाया, पर अगर उसमें विस्थापन नहीं हुआ तो क्या है? कार्य बराबर वर्क इज अपोज टू क्या होता है? बल, यानी कि फोर्स इनटू विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, है ना, ये होता है कार्य को। हमने यहां पर W से दिखाया है वर्क। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी आप सिर्फ विस्थापित हो जाती कोई चीज बिना बल का, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन अगर बल लगा रहे और विस्थापन हुआ तब वो कार्य हुआ, अन्यथा ये जीरो हुआ विस्थापन तो कोई कार्य नहीं हुआ। एक तो बात ये हुई, हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू, बल को हम फोर्स बोलते हैं तो F से डिनोट करते हैं, और कितना कार्य हुआ इसके लिए मैं DL कह रहा हूं, क्योंकि एक छोटा सा गैस के द्वारा, यानी एक तंत्र है मेरे पास, सिस्टम है, वो गैस मैंने एक सिलेंडर में भर के रखा है, उसमें एक पिस्टन लगी हुई है इस तरह से, ये गैस है, इसने काम किया, कार्य किया, तो अभी इसका क्या बोलते हैं, इसका जो है क्षेत्रफल जो है वो कितना माना जा रहा है? ए, अनुप्रस्थ काट बोलते हैं जिसको, ए है। डाया जो है कितना है? ए है। एरिया जो है? ए है। और अब ये पिस्टन जो है ये थोड़ी दूरी चल लेती है, यहां तक चली गई, यस, तो क्या हुआ इसका, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? चलिए L1 मान लेते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? बोले यहां, एक मैं ठीक से मैं लिख देता हूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है? L1। और यहां से यहां तक की कितनी है? L2। तो आप समझ सकते हैं DL मतलब क्या हुआ? L2 माइनस L1, यानी इतनी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस वो कितनी है? DL, ठीक है। तो यहां पर एक कार्य हुआ, गैस ने फोर्स लगाया और इतनी दूरी चली पिस्टन, तो इसके द्वारा कितना हुआ? इतनी दूरी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ? DL हुआ। तो ये मैंने इसी आधार पे मैंने इसको लिखा है, तो इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात ये है कि इसने दाब लगाया तभी तो फोर्स बना, तो दाब के लिए क्या है? दाब किसको होते हैं? प्रेशर। दाब P क्या होता है? दाब जो होता है बल, फोर्स बटा कितना होगा? क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया? P इंटू ए, यस। मैं इसको यहां पे ले लूं तो समीकरण 1 से तो क्या होगा बोलो? W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो? P इंटू ए इंटू
डीएल, डीएल मतलब चली गई दूरी, लेंथ लंबाई का स्क्वायर है एरिया, और ये क्या है लंबाई है, तो लंबाई का क्यूब हो गया, है ना, डिस्टेंस का क्यूब हो गया, दूरी का क्यूब हो गया, तो वो क्या बन जाता है आयतन। तो W इज इक्वल टू पी, और चूंकि ये परिवर्तन L परिवर्तन में दिखाया गया है, सो ये कितना हो जाएगा परिवर्तन वैल्यू, तो इसको बोलेंगे डेल्टा V। तो हमारे पास ये काम हुआ, तो फॉर्मूला कार्य का क्या मिला, W इज इक्वल टू पी डेल वी। इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर चाहें तो बता भी सकते हैं, मैं कुछ लाइनें लिख दूंगा। यहां पर अब देखें W कब हुआ, ये कब है, जब इस पर कोई कार्य करता है, ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं तंत्र या निकाय या सिस्टम पर कार्य करने पर क्या होगा, बोलो, W इज इक्वल टू पी डेल वी, तंत्र द्वारा कार्य करने पर, करने पर क्या होगा, W इज इक्वल टू बोलो माइनस पी डेल वी। इस तरह से मैं इनके बारे में कुछ लाइनें लिख दूं तो क्या लिख सकते हैं आप बोलिए। माना कि एक सिलेंडर में क्या भरा हुआ है, कोई स्पेलिंग सही ना, चेक कर लो, कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, हाँ, अब यार जगह नहीं है तो मैं बोल देता हूं यार, है ना, सिलेंडर का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया है वो कितना है, ए है, तथा पिस्टन के द्वारा डी एल दूरी तय की जाती है, बस और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ अपने समझने के लिए बनाते हैं हम लोग, यूज करते हैं, ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो फॉर्मूला याद रहेगा W का, बोलो W इक्वल्स टू पी डेल वी, बस इतना याद रखना, अभी जरूरत इतने की है, फिर जैसे से आप समझते जाएंगे मैं उसको ग्रो करते जाऊंगा। ओके, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, ये कहा जाता है कि किसी भी सिस्टम में उपस्थित संपूर्ण ऊर्जाओं का योगफल क्या बोलेंगे, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। तब यहां पर एक बात होता है कि किसी भी तंत्र में उपस्थित सभी अणुओं की संपूर्ण ऊर्जाओं का योगफल आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, मतलब किसी सिस्टम में उपस्थित जितनी भी ऊर्जा होगी, जितनी भी एनर्जी होगी, कुल एनर्जी कहलाएगी उसकी आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। तो छोटी सी लाइन लिख लीजिए फिर वो ज्यादा अच्छा रह जाएगा, ताकि याद भी रह जाएगा। तो लिखो, किसी निकाय या सिस्टम में उपस्थित संपूर्ण ऊर्जाओं का योगफल आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, नीचे लिखो, निकाय की स्थिर आयतन पर ज्ञात की गई, निकाय की स्थिर आयतन पर ज्ञात की गई ऊर्जा उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा होती है, ठीक है। मैंने जो लाइनें कहा है कि किसी तंत्र में उपस्थित सभी ऊर्जाओं का योगफल आंतरिक ऊर्जा है, तो इसे आप याद रखने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसे किसे डिनोट कर रहे हो आप, कैपिटल ई या कैपिटल यू से, ठीक है, तो मैं यहां पर कैपिटल ई से दर्शा रहा हूं, तो हम लिख सकते हैं अर्थात उसका अर्थ यह हुआ कि आंतरिक ऊर्जा होता है सभी ऊर्जाओं का योगफल। तो कौन कौन सी ऊर्जाएं हमें याद रखना चाहिए, तो वैसे ऊर्जाएं तो बहुत सारी होती है, हम भूल ना जाएं, इसलिए मैंने एक छोटा सा कोड बनाया है आपके लिए त्रिवेण, इससे आसान हो जाएगा इसको याद रखना।
तो ये हो जाएगा ई टी प्लस ई आर प्लस ई आई, फिर क्या हो जाएगा ई वी प्लस ई ई प्लस ई एन, और भी कुछ ऊर्जाएं हो सकती हैं पर नॉर्मल हम इनको याद रख सकते हैं। तो यहां पर क्या क्या चीजें देखें, क्या सबसे पहले ई ई मतलब क्या हमने दिखा दिया आंतरिक ऊर्जा है, तो मैंने यहां पर लेता हूं ई टी, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी, इसको बोलते हैं स्थानांतरण ऊर्जा। सेकंड क्या है ई आर, रोटेशनल एनर्जी, घूर्णन ऊर्जा, घूमने वाली है ना, मॉलिक्यूल से घूमने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे। ई आई इंट्रैक्शनल एनर्जी, हाँ आकर्षण ऊर्जा, अन्योन्य क्रिया भी बोलते हैं। इंट्रैक्शनल एनर्जी, अन्योन्य क्रिया या आकर्षण ऊर्जा। ईवी वाइब्रेशनल एनर्जी ऊर्जा, और क्या है ईई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और क्या है ई एन न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा ध्यान रखेंगे, आंतरिक ऊर्जा जो है एक एब्सोल्यूट मान नहीं है, परम मान नहीं है, जबकि वो क्या चीज है, एक अवस्था फलन है। ठीक है, अवस्था फलन मतलब तंत्र की दो अवस्थाओं पर निर्भर करता है, तंत्र की जब उसमें कोई प्रक्रम हो रहा हो, कोई प्रोसेस हो रहा हो, तो तंत्र की अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था में जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसका अंतर होता है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो देखें कैसे होगा, तो हम लिख सकते हैं आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, क्या चीज है, स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन है, अतः इसका मान, सॉरी, अतः इसका मान तंत्र यानी कि सिस्टम की अंतिम एवं प्रारंभिक अवस्था के आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर करता है, माना कि तंत्र की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा, इसकी प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा को हमने मान लिया कितना E1, U1 भी लिख सकते हो ना, E और U दोनों में से यूज कर सकते हैं, E1 तथा अंतिम आंतरिक ऊर्जा E2 हो तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई होगा। तो क्या हुआ, डेल्टा ई जो है क्या होगा, E2 - E1, पूरी बातें मैंने यहीं पे कह दी है। अब एक बात समझने की बात है कि किसी भी तंत्र का, किसी भी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कब होगा या बढ़ेगा या घटेगा कब, जब उसको हीट दिया जा रहा हो, ऊष्मा दिया जा रहा हो और वह ऊष्मा निकाले नहीं, या उसमें से ऊष्मा निकल रही हो और वह ऊष्मा ग्रहण ना करे, तब क्या होगा, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, होगा। मतलब सीधी सी बात है ना, मैं इस चौक को गर्म कर रहा हूं और उसमें से ऊष्मा निकल नहीं रही हो, ठीक है, तो क्या हुआ,
मतलब मैंने गरम किया इसको, मतलब गरम करा मतलब किस पे, लौ पे रखकर गरम किया, और ये गरम नहीं हो रही है, ये इस एनर्जी को ग्रहण बस कर रहा है पर वो गरम नहीं हो रही। गरम नहीं हो रही मतलब उसमें से ऊष्मा निकल नहीं रही है, तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर इसको गर्म कर रहा हूं, इसमें ये गर्म हो रहा है और इसका मतलब यह है कि इसमें से ऊष्मा निकल रही है, तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि नहीं हो रही है, यही इसका मतलब है। यानी एक तरह से इसको समझो इस तरह से कि एक सिलेंडर में कोई गैस भरी हुई है इसके अंदर, और मैं इसको गर्मी दे रहा हूं, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और अंदर में हमने कोई थर्मोमीटर लगा के रखे हैं, तो पता चलता है कि गैस का सिर्फ आयतन बढ़ रहा है पर थर्मोमीटर में टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन बात होता है कि आंतरिक ऊर्जा का संबंध किसके साथ होता है, स्थिर आयतन के साथ होता है। यस, फिर भी हम यहां पर बात कर रहे हैं कि हमने कहा कि उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात यह होता है जब हम उस पर कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो वो किसी प्रकार से ऊष्मा नहीं निकाल रहा हो, या उससे कार्य, वो कार्य कर रही हो तो ऊष्मा ना ले रहा हो, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या हुआ, उसकी आंतरिक ऊर्जा में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन परिवर्तन तब हुआ जब उस पर कार्य किया। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, मैंने किसी तंत्र पर कार्य किया, काम किया, और वो हीट के रूप में ऊष्मा नहीं निकाला, तो उसने आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करा क्योंकि उसके पास अभी एनर्जी आई है कार्य के रूप में। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं, ये सब जानने की जरूरत नहीं, मेन काम जानने की जरूरत है कि आंतरिक ऊर्जा है क्या, इंटरनल एनर्जी है क्या, क्या है तंत्र में जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। दूसरी बात जानने की जरूरत है वो है कि ये अवस्था फलन है, यानी दो अवस्थाओं पर निर्भर करता है। तीसरी बात जानने की जरूरत है कि ये स्थिर आयतन पर जो ज्ञात की गई ऊष्मा होती है उसे हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम देखते हैं। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा संरक्षण का नियम, हीट कंजर्वेशन लॉ। क्या बोला मैं, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम या ऊष्मा संरक्षण का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम, लिख सकते हो, सारी चीजें लिख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा संरक्षण का नियम। ये नियम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, हीट कंजर्वेशन लॉ। क्या कहता है ये, लिख लो एक लाइन, आपको याद हो भी होगा, मैंने बताया था ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट, केवल उनका रूपांतरण ही संभव है। नोट कर लें, ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही, ऊष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, केवल उनका रूपांतरण ही संभव है। हो गया क्या, जो बोल रहा हूं वो क्लियर समझ में आ रहा है आज की क्लास शुरू से, चलिए ठीक है। इसको तो इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा संरक्षण का ही नियम कहते हैं, ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट, केवल उनका रूपांतरण ही संभव है। अब रूपांतरण संभव होने का मतलब क्या हुआ, एक ऊर्जा का एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ना कि हम उसे खत्म करते हैं, नष्ट कर सकते हैं या ना उसे बना सकते हैं। यानी जो यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी रहेगा, बस उसका रूपांतरण अलग अलग रूप में है। जैसे मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है दूसरे रूप में चला जाएगा लेकिन वो खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। चले आगे चलते हैं, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। माना कि निकाय या तंत्र सिस्टम, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा ऊर्जा E1 है, इसे क्यू ऊष्मा दी जाती है तथा इस पर W कार्य किया जाता है।
ठीक है, तो इसकी आंतरिक ऊर्जा E2 हो जाता है। तब क्या हो जाएगा बोलो तो, या फिर इसको मैं इसमें लिख दूं फॉर्मूले में, अर्थात E1 उसके पास आंतरिक ऊर्जा थी, उन्होंने उसको ऊष्मा दिया तो उन्होंने ग्रहण किया, उस पर कार्य किया W, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ करके कितनी हो गई, E2 हो गया। यानी ये सब मिला करके अब उसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी हो गई, E2 हो गया। बिल्कुल क्लियर है? तब क्या हुआ, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q प्लस W, तो इसका मतलब तो आप जानते हैं, वो डेल्टा E के रूप में क्या है, ये E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा E होता है। तब क्या हुआ, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। ये उष्मागतिकी के प्रथम नियम का फॉर्मूला हो गया। अब हमें इस नियम को प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो क्या बोला था मैंने, उष्मा हमने कहा था कि जितने मैंने इसको उष्मा देते गया, सब कुछ करते गया, कार्य भी किया, लेकिन उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब क्या हुआ जरा देखते हैं, यदि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन न हो तो क्या होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू कितना होगा, 0। यानी कि E1 और E2 बराबर है। बोलो, मैं यहां पर और लिख देता हूं, अर्थात E1 इज इक्वल टू E2, दोनों को घटाएंगे तो 0 होगा। यस, तब क्या होगा, तब क्या होगा, समीकरण जो बना हुआ इसके भी आधार पर क्या हुआ, 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस W, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस W, या बोलो W इज इक्वल टू माइनस Q। मतलब जितनी उसको उष्मा देंगे वो उतना कार्य कर देगा। यस, या उस पर जितना कार्य करेंगे वो उतना उष्मा के रूप में निकाल देगा। तो आंतरिक ऊर्जा में अगर कोई परिवर्तन ना हो तो क्या होगा, जितनी ऊष्मा दिया जाएगा उसे उतने कार्य में परिवर्तित कर देगा। मतलब ऊर्जा का क्या हुआ, रूपांतरण हो गया। तो ऊर्जा दो तरह की बात करती है, ऊष्मा देते हैं वो दो काम कर सकता है, या तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देता है कोई कार्य नहीं कर रहा है तो, और कार्य कर रहा है तो हो सकता है कि वो उसने आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ना किया हो। तो हमने समझा यहां पर, तो क्या समझ में आया, अर्थात हमने यहां पर समझा कि तंत्र पर जितनी ऊष्मा दी जाती है उसे वह पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर देता है जब उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि या परिवर्तन ना हो। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हूं मैं, यही उष्मागतिकी के प्रथम नियम का प्रूफ है और इसका फॉर्मूला भी आपको मिल गया। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो, तब समीकरण 1 से कुछ बातें याद रखेंगे, नोट। क्या जानते हो आप, W इज इक्वल टू पी डेल वी, जानते हो जब तंत्र पर कार्य किया जा रहा हो तब, तब क्या हो जाएगा, इसमें समीकरण 1 से क्या लिख सकते हो, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल वी लिखा जा सकता है। बोलो, और क्या जानते हो, पी डेल वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, ये भी होता है। तब क्या होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डेल्टा एन आर टी, ये भी लिखा जा सकता है। तो ये सब न्यूमेरिकल में काम आएंगे आपके। एंथैल्पी H, कैपिटल H,
एंथैल्पी को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। आप जानते हो कि जो भी रिएक्शन कराते हैं हम लोग ओपन एक वायुमंडलीय दाब पर कराते हैं, खुले पात्र में कराते हैं, तो हमेशा प्रेशर कैसा रहता है, हमेशा स्थिर रहती है। तो वहां पर जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है किसी रिएक्शन के टाइम पर, उसे हम आंतरिक ऊर्जा नहीं कहेंगे, क्योंकि एक वायुमंडल दाब पर है, यानी स्थिर दाब पर है ना, कांस्टेंट प्रेशर पर है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो ऊष्मा या एनर्जी या हीट का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी। तो एंथैल्पी के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला देखें और इसी के बेस पर हम यहां पर इनका डेफिनेशन लिखेंगे। डेल्टा कैपिटल एच इज इक्वल्स टू ई प्लस पी वी। ये आपको पता है इंटरनल एनर्जी है, ये प्रेशर है और ये आयतन है। तो इसको डिफाइन करते समय कुछ बातों पे ध्यान देंगे, मैं छोटा सा लिखा देता हूं, यहां पे लिखूंगा उससे अच्छा है। बोलूं लिखो, स्थिर दाब पर किसी तंत्र की एंथैल्पी दाब व आयतन का गुणनफल का आंतरिक ऊर्जा के साथ योगफल होता है। क्या देखे आपने कि ये जो है दाब व आयतन का गुणनफल जो होगा आंतरिक ऊर्जा के साथ क्या होगा, योगफल होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी। तो हमने एक लाइन में बोला था, नीचे और लिखना चाहो तो छोटी सी लाइन लिख सकते हो, स्थिर दाब पर ज्ञात की गई ऊष्मा एंथैल्पी कहलाता है। मूल परिभाषा ऊपर में लिखे हुआ है ना, ये जानकारी के लिए दोबारा मैं एक छोटी सी लाइन लिखा रहा हूं दोनों जगह पर। क्या बोला, स्थिर दाब पर ज्ञात की गई ऊष्मा एंथैल्पी कहलाता है, ऊष्मा हीट ना। चलिए मैं यहां पर बता रहा हूं, यह एक अवस्था फलन है। तो अवस्था फलन है तो क्या होगा, हम किसका अध्ययन करेंगे, अतः क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, बोलो, एच टू माइनस एच वन। तो प्रारंभिक अवस्था में इसका क्या होगा, समीकरण एक से तो एच वन के लिए क्या होगा, ई वन प्लस पी वन वी वन, और एच टू के लिए क्या होगा, ई टू प्लस पी टू वी टू। अब इसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इसको समीकरण दो ले लेते हैं। तो अगर हम इसमें ले लें तो क्या होगा, बोलो, इसके साथ ले लें तो समीकरण दो में मान रखने पर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, बोलो, तो बोलो, H2 माइनस H1 का मतलब क्या, ये वाला हो गया ना, तो इसका मतलब डेल्टा एच ले लेता हूं डायरेक्ट, है ना। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, एच टू का ये वाला हो गया, तो क्या होगा, ई टू माइनस ई वन होगा प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। अब यहां पर ध्यान रखो कि इसका मतलब तो समझ में आ चुका है कि क्या है, डेल्टा ई है, ठीक है। अब दूसरी बात यह होगी, मैं यहां पर एक और चीज लिख देता हूं, दाब कैसा लिया गया, स्थिर दाब, तो क्या होगा, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब का मतलब क्या हुआ, P2 बराबर P1 है, जिसको दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया P, यस, P मान लिया, इसको भी P मान लिया, इसको भी P मान लिया, तो क्या होगा, तो हो गया डेल्टा H, तो इसका क्या होगा, डेल्टा E प्लस P कॉमन हो जाएगा, तो क्या हुआ, V2 माइनस V1। हमारे पास फॉर्मूला हो गया डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल वी। और इस तरह से हमें एक बात समझ में आया होगा
कि स्थिर ताप पर ये जो है डेल्टा एच क्या कहलाएगा, एंथैल्पी चेंज कहलाएगा, एंथैल्पी परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, स्थिर ताप पर आयतन परिवर्तन का गुणनफल उसके आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के योगफल के बराबर होता है। तो इतना लंबा लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, तो आपको बातें समझ में आ चुका होगा। अच्छा, और क्या जानते हो इसके आधार पे, पी डेल वी इज इक्वल टू क्या जानते हो, डेल्टा एन आर टी। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। ये भी एक फॉर्मूला बनता है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मेरे पास अक्सर फोन आ रहे हैं कि सर आपके चैनल के सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, और जो वीडियो मिल रहा है वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल रहे हैं, सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, लाइन से नहीं मिल रहे हैं, आगे पीछे मिल रहे हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि मेरे वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले यूट्यूब में जा करके विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करें तो मेरे वीडियोज खुल जाएंगे, मेरे चैनल खुल जाएगा। किसी एक वीडियो को आप ओपन करें, यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए। अब आप इस तरह से काम करें, फिर अब आप यूट्यूब बंद कर दीजिए, फिर इस प्रकार से आप यूट्यूब चालू करें। जब यूट्यूब चालू हो जाए तो आप यहां पर जो ऊपर साइड में आपका ये आइकॉन बना हुआ है, इस जगह पर जा करके आप क्लिक करें तो आएगा माई चैनल। जैसे ही माई चैनल आता है उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ आता है सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिसको आपने सब्सक्राइब किए होंगे। इसे आप ऊपर करते जाइए तो यहां पर किसी एक जगह पे मेरा चैनल दिखेगा और मेरा फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल खुल जाएंगे। इसमें होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। जब प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप काम करें कि प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस और बेसिक केमिस्ट्री को देख लें, यदि आप शुरुआत कर रहे हो केमिस्ट्री में। तो फिर उसके बाद आपको जो मर्जी होगा उसमें से जिस फोल्डर को आपको क्लिक करना है कर लीजिए। उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो मेरे सारे उस फोल्डर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे वीडियोस खुल जाएंगे। फिर उसे लाइन से आप पढ़िए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इस तरह से आप लेक्चर वाइज या वॉल्यूम वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मेरे पास अक्सर फोन आ रहे हैं कि सर आपके चैनल के सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, और जो वीडियो मिल रहा है वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल रहे हैं, सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, लाइन से नहीं मिल रहे हैं, आगे पीछे मिल रहे हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि मेरे वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले यूट्यूब में जाकर के विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करें तो मेरे वीडियोस खुल जाएंगे, मेरे चैनल खुल जाएगा। किसी एक वीडियो को आप ओपन करें, यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए। अब आप इस तरह से काम करें, फिर अब आप यूट्यूब बंद कर दीजिए, फिर इस प्रकार से आप यूट्यूब चालू करें। जब यूट्यूब चालू हो जाए तो आप यहां पर जो ऊपर साइड में आपका ये आइकॉन बना हुआ है, इस जगह पर जा करके आप क्लिक करें तो आएगा माई चैनल। जैसे ही माई चैनल आता है उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ आता है सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिसको आपने सब्सक्राइब किए होंगे। इसे आप ऊपर करते जाइए तो यहां पर किसी एक जगह पे मेरा चैनल दिखेगा और मेरा फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल खुल जाएंगे। इसमें होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। जब प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे।
तो सबसे पहले आप काम करें कि प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस और बेसिक केमिस्ट्री को देख लें, यदि आप शुरुआत कर रहे हो केमिस्ट्री में तो। फिर उसके बाद आपको जो मर्जी होगा उसमें से जिस फोल्डर को आपको क्लिक करना है कर लीजिए। उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो मेरे सारे उस फोल्डर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे वीडियोस खुल जाएंगे। फिर उसे लाइन से आप पढ़िए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इस तरह से आप लेक्चर वाइज या वॉल्यूम वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।